आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां 54 सालों से लगातार हरिनाम संकीर्तन होता है। गोरखपुर के अस्वर्ण पिपराइच मार्ग पर स्थित गीता वाटिका राधा कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र है। मंदिर की पहचान दुनिया भर में है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक यहाँ आकर राधा कृष्ण भक्ति में रम जाते हैं। इस मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र हरिनाम संकीर्तन है, जो 54 वर्षों से अनवरत जारी है। गीता वाटिका में 12 सितंबर 1965 में गिरिराज परिक्रमा शुरू हुई और 1968 में भाई जी ने राधा अष्टमी के दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की, जिसका सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। छुट्टी हुआ घूमने के लिए क्या खासियत है गीतावाड़ के मंदिर वाले? यहाँ मन को शांति मिलती है, यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, इसलिए हम लोग आते हैं बच्चों को घुमाने यहाँ पे। कब से आ रही हैं आप? हम तो यहाँ 10 साल से हैं, 10 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं। बताया जाता है यहाँ पर 24 घंटे अनवरत कीर्तन जारी रहता है। हाँ हाँ, तो क्या खासियत है यहाँ पे? बस वही राधा राधा कृष्ण का हमेशा भजन चलते रहता है, सब लोग जिसको भी अपना मतलब वो रहता है, श्रद्धा रहता है, आते हैं लोग, बैठते हैं लोग। इसमें मैंने हनुमान प्रसाद पोलदार की द्वारा एक कीर्तन शुरू हुआ, उन्होंने कराए और कराने के बाद में तब से कीर्तन 24 घंटा कीर्तन होता है। इन लोगों को सेवा समिति से इनको घाटा दिया जाता है। कब से कीर्तन जारी है यहाँ पर? 68 से। क्या खासियत है यहाँ पर? यहाँ भाई जी की भाव और वचन से, उनकी भाव से एक कीर्तन शुरू हुआ और तरह तरह के लोग आने लगे, कीर्तन गाने लगे और उनके द्वारा मंदिर बना। कितने घंटे तक कीर्तन जो है? 24 घंटा। सबसे अनारत ये लगातार अभी तक चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल कभी बंद नहीं नहीं हुआ, तब भी नहीं, 24 घंटा होता है। इन लोगों को भोजन, तनख्वाह, व्यवस्था सब कुछ समिति देती है। और हनुमान प्रसाद पोलदार की पत्नी रामदेवी पोलदार ने इस मंदिर की स्थापना कराई और इस मंदिर को, मूर्ति को स्थापना कराकर मंदिर को बनवाई। शुरू हुआ तब से आज तक कभी बंद नहीं नहीं हुआ। नाम क्या आपका? व्यास तिवारी मेरा नाम है।